हेलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग के यूनिट वन के बारे में और हमेशा की तरह चलो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग अ वेबसाइट देन बात करेंगे वेबसाइट प्लानिंग प्रोसेस की उसके बाद बात करेंगे डोमेंस एंड होस्टिंग की रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है वो देखेंगे वेबसाइट की टाइप्स जो होते हैं स्टेटिंग एंड डायनेमिक वेबसाइट के बारे में देखेंगे एस के बारे में देखेंगे एस के डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे मार्कअप टैक्स के बारे में देखेंगे हेडिंग पैराग्राफ्स के बारे में देखेंगे लाइन ब्रेक्स को देखेंगे और हमेशा की तरह ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल ज़रूर होगी कि आपने यूनिट वन की वीडियो सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग आएगा तो आप लोग आंसर कर पाओगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ रिसोर्सेज के बारे में जो आप लोगों के लिए हैं तो आप लोगों की वेबसाइट ई आई ओ बी नाइन नाइन डॉट कॉम जहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो और इस वीडियो का जो नोट्स है वेब डिज़ाइनिंग का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो जाके आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और उस नोट्स को एक्सेस करिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए ठीक है सबसे पहले पॉइंट पे देखो डिफ़ाइन पर्पस एंड गोल्स तो वेबसाइट बनाने की जो सबसे पहले बात आती है वो होता है कि सबसे पहले क्लियरली डिफ़ाइन कर देना कि आपका पर्पस क्या है इस वेबसाइट को डेवलप करने में आपके गोल कौन कौन से हैं ठीक है यानी कि आप क्या अचीव करना चाहते हो इस वेबसाइट के थ्रू यानी कि जो वेबसाइट आप बना रहे हो उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी ठीक है आपका पर्पस क्या है आखिर में आप इस वेबसाइट से चाहते क्या जैसे अमेजन की वेबसाइट ले लो और उसका पर्पस एंड गोल्स क्या है ताकि लोग वहाँ पर सामान को लिस्ट करें और लोगों के पास आसानी से पहुँच जाए ठीक है तो वहाँ पर उसका पर्पज़ एंड गोल्स क्लियर है ना ठीक और यहाँ पर होता है पर्पज़ एंड गोल्स में अपने टारगेट ऑडियंस को समझना ठीक है मैं टी ए लिख दे रहा हूँ अपने टारगेट ऑडियंस को समझना कि वो लोग क्या चाहते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई भी वेबसाइट कोई भी जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि अपने कस्टमर को समझना अपने ऑडियंस को समझना एक बार ये आपने पकड़ लिया ना तो समझ लो कि आपका सारा प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो जाएगा ठीक है तो यानी कि टारगेट ऑडियंस को भी देखना होता है इस परपज़ एंड गोल्स के अंतर्गत ठीक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेबसाइट को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद आती है आपकी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी से आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि जो वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी दिखे ऐसा ना हो कि पहले पेज पे कुछ और डिज़ाइन किए दूसरे पेज पे कुछ और डिज़ाइन कर दे होता है ना फर्स्ट होम पेज पे जो चीज़ें हम लोग दिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें एक अच्छे फॉर्मेट में दिखनी चाहिए ठीक ऐसा ना हो कि कोई चीज़ें यहाँ पे हो कुछ चीज़ें वहाँ पे हो तो ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखना चाहिए आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में क्या होता है रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो अगर कोई बंदा उस वेबसाइट को अपने फ़ोन से ओपन करता है तो भी वो वेबसाइट अच्छे से ओपन हो ठीक है वो वेबसाइट अच्छे से ओपन हो यानी कि उसमें जो फोटोज़ है कुछ लिखा हुआ है वो इधर का उधर ना हो जाए कोई टेक्स्ट लिखा है तो कुछ बड़ा ना हो जाए फ़ोन में ओपन करने पे ठीक है यानी कि रिस्पॉन्सी वेबसाइट वही होती है कि अगर हम किसी वेबसाइट को लैपटॉप में ओपन करें और उसी वेबसाइट को फ़ोन में ओपन करें तो आसानी से सारे चीज़ों को अच्छे से देख सकें और वेबसाइट दोनों जगह पर एक्सेसिबल हो तो अभी हम आगे थोड़ा बात करेंगे रिस्पॉन्सी डिज़ाइन के बारे में तो यहाँ पर मैंने थोड़ा आपको उस चीज़ के बारे में बताया कि जैसे कि लैपटॉप में हो गया टैबलेट में हो गया मोबाइल डिवाइसेस में इन सारे जगह पे जो यूजर एक्सपीरियंस होता है वो सेम फील करे ठीक है तो समझ में आ गया होगा आपको कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है धन उसके बाद बात करते हैं एस ई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका तो नाम आप लोग सुने ही होगे अगर आप कभी एस टी एम कोड लिखे होंगे या फिर वर्ड प्रेस से कोई वेबसाइट बनाए होंगे या ब्लॉगर्स कुछ भी किए होंगे एस सी ओ का दिमाग एस सी ओ की बात दिमाग में बार बार आती होगी आपके ठीक है तो इसमें क्या होता है एस सी ओ का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एस सी ओ जो होता है इसका काम इतना होता है कि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाना कहाँ पर तो इसकी विजिबिलिटी को बढ़ाना सर्च इंजन पर सर्च इंजन क्या है गूगल यानी कि अगर हम अच्छे से अपनी वेबसाइट में एस यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आपका गूगल जो सर्च इंजन है वहाँ पर आपके वेबसाइट की विजिबिलिटी बहुत ही इंप्रूव होगी यानी कि आपके जो टारगेटेड ऑडियंस हैं उनके पास आसानी से सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी और जैसा कि एस क्या क्या चीज़ें कंटेंस करता है जैसे कि कुछ रिलेवेंट्स की यानी कि जो चीज़ आप लोग अपलोड कर रहे हो उससे रिलेटेड की ठीक है यहाँ पर मेटा टैक्स भी होते हैं वो सारी चीज़ें ये कंटेंट करता है ठीक है इमेज जो आप लोग अपनी वेबसाइट में डाल रहे हो वो बहुत ही ऑप्टिमाइज हो और बहुत जल्दी से वो लोड हो ठीक है ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में देनी होती है आप लोग खुद सोच के देखो कि जो गूगल है वहाँ पे कोई इंसान तो बैठा नहीं है जो हम लोग सर्च करते हैं कोई इंसान थोड़ी ना हमें सर्व करता है वहाँ पे एक मशीन होती है यानी कि एक मशीन भी एक पर्टिकुलर वे में उसका भी एक फॉर्मेट होता है चीज़ों को समझना इसीलिए हम लोग एस करते हैं एस यानी मतलब इतना समझ लो कि चीज़ों को एक अच्छे तरीके से सजा के रखना अच्छे तरीके से लिखना ताकि अगर कोई चीज़ों को सर्च करे तो गूगल को पता चले कि हाँ ये जो बंदा सर्च कर रहा है ये मिलता जुलता कंटेंट किसी थर्ड बंदे ने अपलोड कर रखा है गूगल पे ठीक है तो वहाँ से वो उसे दिखा देगा तो कब दिखाएगा जब अपने वेबसाइट पर अच्छे तरीके से सारे चीज़ों को लिखे रहोगे तभी तो गूगल समझ पाएगा सर्च इंजन की आपने ये सारी चीज़ें सही की हैं आपका मैच कर रहा है तो दिखाएगा अब आप लोग केक का केक का मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूँ केक की रेसिपी आप लोग बता रहे हो गूगल पे और लिख रहे हो रेसिपी आप चॉकलेट बनाने की तो कोई केक की कैसे आएगा आपका सर्च में केक नहीं ना आएगा तो ये सारी चीज़ें एस के अंतर्गत होती है कि हम अच्छे तरीके से करें ताकि सर्च इंजन में आपका रिजल्ट मिले ठीक है टेपोग्राफी टेपोग्राफी आप लोग शायद सुने होंगे या फिर नया लग रहा होगा जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेपोग्राफी क्या होता है कि जो हम लोग टेस्ट लिखते हैं ना जब सेंसरिप सुनते हो ठीक है लोटी ये सब सारी चीज़ सुनते हो ना जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं टेक्स्ट का साइज क्या होता है टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल कितना होना चाहिए फ़ॉन्ट फैमिली क्या है बोल्ड इटैलिक ये सारी चीज़ें टाइपोग्राफी के अंतर्गत आती है यानी कि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम कोई टेक्स्ट हेडिंग लिख रहे हैं तो कितना ही पिक्सल्स का होना चाहिए इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए ठीक है ऐसा ना हो कि फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग हेडिंग की फ़ॉन्ट फैमिली कुछ और दे रहे हैं सेंसेटिव दे रहे हैं और उसके नीचे जो लिख रहे हैं वो टाइम्स रोमन में दे रहे हैं ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए एक कंसिस्टेंसी वहाँ पे भी देखने को मिलती है और ऐसा भी होता है कि होता है ना कि अगर हम कोई चीज़ें बड़ा में बहुत सारी वेबसाइट्स से होती हैं जहाँ पर अच्छे से टेपोग्राफी नहीं फॉलो होता है तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी में लिखी होती हैं तो हमें पढ़ने का वो मन नहीं करता है या बहुत सारी चीज़ें कभी कभी इतनी छोटी लिखी होती है तो भी हम उस वेबसाइट पर नहीं पढ़ते हैं यानी कि टेपोग्राफी में हमें बताया जाता है कि हाँ इतने साइज़ का ये फॉन्ट फैमिली यहाँ पे बोल्ड होना चाहिए कि नहीं यहाँ पे इटैलिक होना चाहिए कि नहीं ठीक ये सारी चीज़ें लेटर स्पेसिंग ये सारी चीज़ें आपको टेपोग्राफी के अंतर्गत देखी जाती है ठीक है तो ये भी आपको पता होना चाहिए फिर कलर पैलेट एंड इमेजेस कलर पैलेट इमेजेस का क्या है आप लोग हमेशा वेबसाइट डिजाइनिंग में सुनते हो प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर का नाम सुनते हो गए एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह आप लोग करते हो तो इसका नाम जरूर सुने होंगे तो कलर पैलेट क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट के लिए कुछ कलर्स डिफाइन करते हैं जैसे कि आप लोग सोचते हो कि मेरी वेबसाइट ब्लू कलर में हो ठीक है मेन जो थीम हो वो ब्लू कलर में हो बाकी वाइट ब्लैक चल जाएगा कहीं कहीं पर मैं ऑरेंज वगैरह या कोई और कलर ग्रे कलर ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डाल दूँगा तो कलर पैलेट भी डिफाइन करना होता है कि मेरी वेबसाइट में कौन कौन से कलर्स यूज होने वाले हैं इमेजेस इमेजेस भी बहुत अच्छे तरीके से यूज होना चाहिए ताकि वो अच्छे से लोड हो सके ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है देन सिक्योरिटी अब देखो चाहे बात घर की हो चाहे वेबसाइट की हो वो भाई वहाँ पे सिक्योरिटी आ ही जाती है ठीक है अब जैसे कि देखो इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एस एस एल सर्टिफिकेट जो होता है वो कर सकते हैं जिसका क्या होता है कि वो जो डेटा ट्रांसमिशन होता है ना जो हम एक जगह से डेटा दूसरे जगह ट्रांसमिशन ट्रांसमिट होता है उसको सिक्योरिटी वगैरह ये प्रोवाइड करता है ठीक है और देखो आपकी जो वेबसाइट है उसमें अगर जैसे वर्डप्रेस से हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना उसमें क्या होता है बहुत सारे प्लग यूज़ करते हैं यानी हमें टाइम टू टाइम जो भी सॉफ्टवेयर हैं जो भी प्लग हैं उसे हमें अपडेट करना चाहिए ताकि जो बग्स वगैरह हों या फिर कोई हैकर अटैक ना कर पाए आपकी वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो सिक्योरिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर आप वेबसाइट में इन फ्यूचर कुछ चेंजेस करना चाहते हो कुछ चीज़ें बढ़ाना चाहते हो कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हो तो आसानी से आप उसमें कर पाओ जैसे कि आज आपकी वेबसाइट पे 500 व्यूज़ आ रहे हैं ठीक है 500 लोग आ रहे हैं आपने वेबसाइट बनाया है कि 1000 मिनिमम आपकी वेबसाइट 1000 हैंडल कर पाए लोगों को अभी 500 लोग आ रहे हैं लेकिन अचानक से दस हज़ार लोग आने लग रहे हैं तो आपकी तो वेबसाइट वहीं पर क्रैश कर जाएगी यानी कि आप अपने वेबसाइट को इसके बनाओ ताकि जब पाँच हज़ार बच्चे आएँ तो भी आपकी वेबसाइट स्केल कर जाए उतने लोगों के लिए जब आपकी वेबसाइट पर एक हज़ार लोग हों तो स्केल कर जाए एक हज़ार पे तो ये सारी चीज़ें भी आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए रेगुलर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस आप अपनी वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे चेक करा करिए जो भी लिंक्स हैं ठीक है उन सारे लिंक्स को चेक किया करिए कहीं ये स्पैम वगैरह तो नहीं जा रही हैं कहीं इसमें बग्स वगैरह तो नहीं है ठीक है आपकी वेबसाइट अच्छे से काम कर रही है कि नहीं जो यूजर्स हैं अच्छे से उसे यूज कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग चेक किया करिए मेल वगैरह कमेंट्स वगैरह कि कहीं कुछ को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपडेट एंड मेंटेनेंस का काम वहाँ पे कर सकते हैं तो ये बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स थे कि जब हम लोग किसी वेबसाइट को डेवलप करते हैं आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो चलो अब हम लोग बात करते हैं वेबसाइट प्लानिंग प्रोसेस के बारे में जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है तो चलो इसको समझते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होता है डिफ़ाइन द पर्पस एंड गोल्स अब जैसे कि मैंने पीछे बताया था पर्पस एंड गोल्स सेम वही हो चीज़ होता है कि यहाँ पर हम जो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं उसका पर्पस क्लियरली डिफाइन कर देते हैं ठीक है और हम इस जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसे उसे क्लियर करते हैं ठीक है जैसे कि प्रोडक्ट का सेलिंग कि आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है और कुछ भी कर रहे हो ये सारी चीज़ें आपके गोल्स वगैरह में हम लोग डिफ़ाइन कर देते हैं ठीक उसके बाद देखो ये तो आपने सोच लिया कि आप लोगों को क्या दोगे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे कि यहाँ पे अटैक हुआ ये हुआ ये मार हुआ ये मार हो उधर मार, मार दिया ठीक है या फिर आप कुछ चीज़ पढ़ाना चाहते हो तो ये पर्पज़ एंड गोल्स अपने डिफ़ाइन कर लो फिर उसके बाद बात करते आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस अब जो आपकी टारगेट ऑडियंस है ठीक है अब जैसे कि आपने सोचा कि मैं चीज़ों लोगों को पढ़ाऊँगा या फिर मान लीजिए आपने पढ़ाने का सोचा कि आप इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपने टारगेट किया होगा मतलब आपने सोचा होगा कि हाँ कॉलेज स्टूडेंट हो ये सारे लोग हों तो वहाँ पे आपने सारी चीज़ें सोचा होगा लेकिन आप अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करिए जैसे कि आपका जो टा, टारगेट ऑडियंस है उसकी ज़रूरत क्या है ठीक है उनका बिहेवियर क्या है वो किस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं आप किस तरीके से उनको बताएंगे तो समझ में आएगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप टारगेट ऑडियंस की आइडेंटिफाई में कर सकते हैं कंडक्ट मार्केट रिसर्च ठीक है अब देखो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करोगे यानी कि मार्केट में जब लॉन्च करोगे ऐसा तो है नहीं आप अकेले उस मार्केट में हो उस मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स भी हैं यानी इसीलिए आपको मार्केट रिसर्च प्रॉपर करनी होगी एक अच्छे प्रैक्टिस के साथ ताकि आप उन सारे खामियों को खोज सको जो एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा है तो उन सारे प्रॉब्लम्स को उन सारे गैप को आप अपने नए प्रोडक्ट में फुलफिल कर पाओ ताकि आप दूसरे से आगे पहुंच पाओ इसलिए हम लोग मार्केट रिसर्च करते हैं ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये तीन पॉइंट उसका देखो चूज अ डोमेन नेम अब जैसे कि आपको एक डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है क्या डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है क्यों पड़ती है एक नाम तो होना चाहिए अब मैं बोलूँ कि मेरे वेबसाइट पर जाके आप क्लाउड कंप्यूटिंग का कर, कोर्स करो आप कहोगे वेबसाइट कौन सी है भाई मैं आपको बता दूँ आई एड्रेस आई एड्रेस तो आपको याद नहीं होगा तो मैं अगर बोल दूँ कि हाँ ई आई ओ वी ई आई ओ वी नाइन नाइन डॉट कॉम है जाओ यू आर एल में लिखो और वे कोर्स को एक्सेस करो तो आप सिंपल सजाओगे ई आई ओ वी नाइन नाइन डॉट कॉम पर जाओगे अपना कोर्स को एक्सेस कर लोगे तो इसीलिए एक डोमेन नेम की ज़रूरत होती है ताकि लोग उससे जाने पहचाने एक ब्रांड वैल्यू आपको बने और लोग आसानी से उसको यूज कर पाएँ अब गूगल डॉट कॉम का अगर आई पी एड्रेस आप देखोगे तो काफ़ी लंबा जाएगा है ना अगर आप गूगल तो सबको याद है बच्चे को याद है गूगल ठीक है जो टेक्निकल बंदे होंगे वही समझेंगे कि हाँ आई पी एड्रेस या कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं लेकिन जो वैसा लोग उसे तो समझ में नहीं आएगा तो इसलिए हम डोमेन नेम चूज़ करते हैं ताकि हमारा जो ब्रांड हो वो आगे बढ़े एक ब्रांड की वैल्यू हो ब्रांड का नाम हो लोग आसानी से उसे याद कर सकें ठीक है तो ये सारी चीज़ें और ऐसा भी नहीं है कि जो चाहोगे वो डोमेन मिल जाएगा बहुत सारे डोमेन होते हैं जो पहले से रजिस्टर्ड होते हैं तो गोड आई वगैरह पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हो उसका देखो सिलेक्ट हो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर अब देखो एक होस्टिंग प्रोवाइडर की आपको ज़रूरत होती है अब होस्टिंग प्रोवाइडर क्या है कि जैसे कि देखो आप तो अपने कंप्यूटर पर वेबसाइट बनाए हो टेस्ट वगैरह सब कुछ कर लिए हो लेकिन अब उसे पब्लिकली करना है तो कहीं पर सर्वर पे तो होस्ट करना पड़ेगा ना करना पड़ेगा ना तो आप लोग होस्टिंगर वगैरह का नाम सुनते हो तो ये होस्टिंगर हो गया नेम चिप हो गया ये सारी चीज़ें कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जहाँ पे हम लोग अपने वेबसाइट को वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में से कहीं से कोई भी बंदा उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाए ठीक है वायर फ्रेमिंग एंड मॉकअप्स वायर फ्रेमिंग एंड मॉकअप्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपकी जो वेबसाइट है उसका सबसे पहले तो वायर फ्रेम क्रिएट करिए वायर फ्रेम मतलब क्या होता है कि आप अपनी जो वेबसाइट बना रहे हो ना उसका एक ढांचा तैयार करो ठीक है एक विजुअलाइजेशन विजुअलाइज दिमाग में आप कर लेते हो ना कि मेरी वेबसाइट कुछ देखने में ऐसे बनेगी कुछ ऐसे दिखेगी ये पेज ऐसे दिखेगा तो ये सारे चीज़ों का एक लेआउट का डिज़ाइन तैयार करो उसी को वायर फ्रेमिंग कहते हैं इससे क्या होता है कि आपको जो एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले होते हो अभी कोडिंग नहीं कर रहे हो जो एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले होते हो उसके पहले आपको पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी अच्छा यूज़र यूज़ करेगा तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होगा अच्छा चलो ये बटन ऐसा दिख रहा है तो इसे ऐसा कर देना चाहिए तो यहाँ पर आप लोग जैसे फिगमा वगैरह सॉफ्टवेयर होते हैं एडोबी एक्सडी होता है वहाँ से आप लोग वायर फ्रेमिंग वगैरह कर सकते हो ठीक है मैं फिगमा लिख दे रहा हूँ अगर फिगमा पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो मैं आपको फिगमा से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा जो कि यू आई एंड यू एक्स के अंतर्गत आता है ठीक है उसके बाद देखो एस सी ओ प्लानिंग एस सी क्या होता है क्यों प्लानिंग करते हैं यह भी मैंने पीछे बता दिया तो अभी मुझे फिर नहीं डिस्कस करने की ज़रूरत है प्लान फॉर मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस अब इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आप अपनी जो वेबसाइट बना रहे हो ठीक है वो डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन के साथ रिस्पॉन्स ही हो यानी कि जो वेबसाइट लैपटॉप पे चल रही है वो आपकी मोबाइल पर भी चले टैबलेट पर भी चले ठीक सिक्योरिटी प्लानिंग पीछे मैंने सिक्योरिटी का भी बता दिया अब देखो बजट एंड रिसोर्सेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बजट एंड रिसोर्सेज अगर बजट आपका फॉल्ट कर गया तो प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा अगर रिसोर्सेज की कमी है तो भी आपका प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बन पाएगा इसलिए जो बजट एंड रिसोर्सेज का होता है वो हमें बहुत ही ध्यान देना होता है ठीक है जैसे कि होस्टिंग का कॉस्ट आप लोग सोच रहे हो ना बजट कहाँ लगेगा अब जैसे कि आप डोमेन ख़रीद रहे हो डोमेन का रजिस्ट्रेशन अगर गोडाई डी पे करोगे तो उसका भी कुछ कॉस्ट आएगा होस्टिंग जैसे होस्टिंगर पर आप होस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे भी कुछ प्रीमियम सब बाई करोगे तो वहाँ पे पैसा लगेगा अगर आप किसी को हायर करके बनवा रहे हो वेबसाइट तो डेवलपमेंट की कॉस्ट लगेगी अब डेवलपमेंट हो के आपकी वेबसाइट पब्लिश भी हो गई तो यानी कि अब मेंटेनेंस की भी कॉस्ट लगेगी ठीक है तो ये सारी चीज़ें की आपको ध्यान देना पड़ेगा टाइमलाइन देखो टाइमलाइन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी जो वेबसाइट डेवलप हो रही है वो एक टाइम के अंतर्गत हो अब आपको वेबसाइट करनी है दो महीने में और पब्लिश हो दो साल में तो ये सब चीज़ सही नहीं है ना तो आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया में आपकी वेबसाइट की कोडिंग होगी इस टाइम फेज में आपका टेस्टिंग होगा और इस टाइम फेज़ में आपकी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी तो टाइम वगैरह का भी ध्यान दिया जाता है ठीक है लीगल कंसिड्रेशन लीगल कंसिड्रेशन में क्या है कि आप लोग जो भी वेबसाइट बना रहे हो वो कुछ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करती है कुछ प्राइवेसी मतलब कुछ प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ होती हैं ये सारी चीज़ें आपकी करनी चाहिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा ना हो कि आप किसी की दूसरे की जैसे देखो होता है ना कुछ लोग दूसरे की कॉपी करके चीज़ अपने वेबसाइट पर डालते हैं तो कॉपी आ जाता है तो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए ठीक है यानी दूसरा कोई कंप्लेन कर सकता है आपको कॉपी राइट स्ट्राइक मार सकता है तो आपकी वेबसाइट बंद भी हो सकती है तो कुछ लीगल टर्म्स एंड कंडीशन होती है प्राइवेसी एंड पॉलिसी होती है गवर्नमेंट्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना होता है फिर क्या होता है टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग जब सारी चीज़ें हो जाती है तो आपको क्या करना होता है अपनी वेबसाइट की टेस्टिंग करनी होती है और उसकी लॉन्चिंग करनी होती है और उसके बाद हमेशा आपको उस अपने वेबसाइट का मेंटेनेंस वगैरह देखते रहना है अभी आप सोच रहे हो कि, कि इतना सारा मैंने बताया इसको याद कैसे करें तो मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है सिंपल सा देखो पी नाम सुनते हो पी एस सी अरे जो पी एस सी होती है ना ये जो पुलिस में होती है ठीक है तो जो कहीं पर झगड़ा बवाल होता है तो जाती है ठीक है पी एस सी हो गया इसको याद कर लो फिर बी टी एस अभी बी टी एस बहुत ट्रेंड में कोरिया वाले तो बहुत ट्रेंड में ये चल रहा है ठीक है तो बी याद कर लो पी एस चला डिस्को ठीक है पी और बी चले डिस्को डी आई एस सी ओ याद करो पी एस सी ठीक है पी एस सी पुलिस वाले और बी टी एस दोनों मिल के गए हैं डिस्को में डांस करने तो देखो ये मैंने कैसे बनाया अब देखो पहले डी डिस्को देखो पी एस सी देख लो चाहे डिस्को देख लो कैसे पी है इसमें तो पी से आप मैं विजुअलाइज करो कि पी से क्या हो सकता है पी से आपकी सबसे पहले आती है प्लानिंग आ गया बीच में ठीक है एस से क्या आएगा एस में देखो इसमें सिक्योरिटी आ गया फिर सी से देखो क्या है सी से आपका मान को चलो कि चूज डोमेन नेम या कंडक्ट मार्केट रिसर्च हो गया ठीक है फिर बी में बी से क्या है बजट एंड रिसोर्सेज है टी से क्या होगा टाइमिंग हो गया एस से क्या हो गया आपका सिक्योरिटी प्लानिंग हो गया डी से क्या हो गया डिफाइंड पर्पज़ एंड गोल्स हो गया आई से क्या हो गया आइडेंटिफाइड टारगेट ऑडियंस हो गया डी yes एस से क्या हो गया आपका एस प्लानिंग हो गया सी से क्या हो गया चूज डोमेन नेम हो गया ओ से क्या हो गया ये नॉर्मल डिस्को में ओ रहेगा तभी तो लगेगा डिस्को ठीक है तो ये पी एस सी बी टी एस डिस्को यानी कि पी सी आप याद कर सकते हो पी एस सी और बी टी एस मिल के गए डिस्को में डांस करने ठीक है इतना याद कर लो फिर आप इधर उधर से अगर याद भी आएगा तो आसानी से आप इसको लिख पाओगे आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी चलो अब हम लोग बात करते हैं डोमेंस एंड होस्टिंग के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन इन फ्यूचर अगर आप अपनी करियर बनाना चाहते हैं वेबसाइट के फील्ड में वेब डेवलपमेंट के फील्ड में तो भी आपको पता होना चाहिए कि डोमेन एंड होस्टिंग का काम क्या होता है ज़रूरत क्यों पड़ती है और होता क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डोमेंस की तो डोमेंस बेसिकली क्या होता है डिफिनसन देखो और डोमेन इज द ह्यूमन रीडेबल ये ध्यान देना कि डोमेन इज़ द ह्यूमन रीडेबल एड्रेस एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट यानी कि इंटरनेट की दुनिया में एक ह्यूमन रीडेबल एड्रेस होता है और जैसे कि मैंने बताया अभी पीछे आपको अगर आई एड्रेस मैं आपको दे दूँ याद करने के लिए तो आपको आई एड्रेस नहीं याद होगा ठीक है कुछ लोग याद कर पाएंगे लेकिन टाइप भी करने में प्रॉब्लम होगी लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलूँ गूगल ओपन करो तो गूगल आप सिंपली लिखते हो गूगल डॉट कॉम ठीक है आप उसका आईपी एड्रेस तो नहीं लिखने जाते हो ना ठीक यानी आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो यानी गूगल डॉट कॉम ह्यूमन रीडेबल एक है जो कि होस्टेड है किसी आईपी एड्रेस के थ्रू ही उसका आईपी एड्रेस भी होगा लेकिन क्या किया गया है उसको एक डोमेन नेम दे दिया गया है ताकि सारे लोग आसानी से उसे याद करें और आसानी से एक्सेस कर सकें ठीक है तो डोमेन नेम किस यूज़ में आता है इट यूज़ टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट वेबसाइट वेबसाइट को आइडेंटिफाई करना और लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली दो पार्ट को कंटेंट करता है सबसे पहले आपका एक्चुअल नेम आपकी वेबसाइट का, तो का नाम क्या है तो मेरी वेबसाइट का नाम क्या है ई आई यू बी नाइन ठीक है ई आई यू बी नाइन नाइन है ठीक है वेबसाइट का और डोमेन एक्सटेंसन यहाँ पे डोमेन का एक्सटेंसन भी देखा जाता है कि क्या है डॉट कॉम है ये ध्यान देना डॉट कॉम है ठीक है कहीं कहीं पर डॉट कॉम देखने को मिलता होगा आपको कहीं कहीं पर डॉट इन देखने को लिए मिलता होगा आपको ऐसा सोच रहे हो ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं अब डोमेन के कुछ मैं एक्सटेंसन बता देता हूँ जैसे कि आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा यू के ठीक है यू मिलता है डॉट यू यानी कि यूनाइटेड किंगडम यू मिल जाता है आपको यूएस मिल जाता है आपको जी आपको ग्रीस का मिल जाता है ठीक है कुछ एक्सटेंसन कंट्री वाइज और डॉट नेट अगर कहीं पर लगा होता है तो ये नेटवर्क से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं अगर डॉट ओ लगा रहता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके डोमेंस होते हैं अगर डॉट कॉम लगा रहता है तो ये आपकी कॉमर्शियल वेबसाइट से रिलेटेड होती है तो ये सारी चीज़ें कुछ एक्सटेंसन होते हैं डोमेन के जो कुछ आपके आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं कि ये डोमेन किस चीज़ से रिलेटेड है ठीक है चलो उसका देखो डोमेन रजिस्ट्रेशन का क्या है अगर आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको नीड रजिस्टर थ्रू अ डोमेन रजिस्ट्रार तो सबसे पहले आप क्या कर सकते है? अपने डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं कुछ पॉपुलर डोमेन रजिस्ट्रार्स हैं जैसे कि गोड हो गया ठीक है गोड हो गया नेम चीप हो गया और गूगल डोमेन्स हो गया ये कुछ हैं जहाँ पे आप अपनी डोमेन की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और नए डोमेन को ले सकते हो ठीक तो मैंने भी गोड आई से लिया है नेम चीप से भी मैंने काफ़ी चीज़ें किया है ठीक है गूगल डोमेन से भी मैंने काफ़ी हेल्प लिया है तो आप लोग सबको यूज कर सकते हो एक एक करके और देख सकते हो कहाँ से आपको अपना डोमेन का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ठीक द रजिस्ट्रेशन इज़ टिपिकली डन ऑन एन एनुअल बेसिस एंड यू कैन चूज़ अ डोमेन दैट रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड और बिजनेस ऐसा ना करना कि कुछ भी डोमेन का नाम रख दें नहीं आपके बिजनेस से कुछ मिलता जुलता नाम हो या बहुत ही ऐसा नाम हो जो लोग आसानी से अपनी ज़ुबान पे ले सकें तो वो आप उसका नाम चूज़ कर सकते हो और बेसिकली ये एनुअल बेसिस होता है एक साल के आपका प्लान होता है कि आप स्टार्टिंग में छः सात सौ रुपये मिल जाते हैं अगर लेना चाहो फिर नेक्स्ट साल से रिनल कराओगे तो करीब आपका हज़ार पंद्रह सौ रुपये में आपका काम हो जाएगा डोमेन का अब बात करते हैं होस्टिंग के बारे में अब आपने डोमेन तो ख़रीद लिया वेबसाइट भी बना लिया अब उसे लाइव कहाँ करोगे कहीं पर डालेंगे तभी तो कुछ कोई लोग देखेंगे ना उसके लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है तो होस्टिंग का बेसिकली डिफिनीसन क्या है वेब होस्टिंग इज़ द सर्विस दैट अलाउज़ यू टू स्टोर एंड पब्लिश योर वेबसाइट फाइल्स ऑन एन अ सर्वर मेकिंग इट एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट जो मैंने बताया वेब होस्टिंग जो है एक तरह की सर्विस है जो अनुमति देता है कि आपकी जो वेबसाइट्स की फाइल्स हैं डॉट एच हो गया डॉट सी हो गया या जावा स्क्रिप्ट की जो भी फाइल हो गई पीएचपी की जो भी फाइल हो गई आपकी वो आप सर्वर पर अपने डालते हो ठीक है और सर्वर पर डालने के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में से इंटरनेट की मदद से कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है ठीक है तो ये सारी चीजें होती है इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर योर वेबसाइट टू व्यूड बाई विजिटर ये काफ़ी मतलब नेसेसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये प्रोवाइड करता है आपकी वेबसाइट को ताकि आ, आपके जो विजिटर है वो उसे देख सकें तो सबसे पहले पॉइंट पर आता है शेयर्ड होस्टिंग तो शेयर्ड होस्टिंग से आपको समझ में आ रहा होगा शेयर यानी कि बांटना ठीक है बांटना समझ में आ रहा है ना यानी होस्टिंग को बांटना तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ योर वेबसाइट शेयर सर्वर्स रिसोर्सेज विद अदर वेबसाइट अब जैसे कि आप अब आप, आपने अपने वेबसाइट को किसी सर्वर पर डाला है तो वो सर्वर क्या कर रहा है कि आपने जो स्पेस लिया है वो तो ठीक है आपको दे दिया अब उस सर्वर में और भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो वो क्या करेगा किसी थर्ड बंदे को किसी दूसरे बंदे को बेच देगा उतना यानी आपके ही सर्वर में कुछ पार्ट आपको दे दिया कुछ पार्ट किसी और बंदे की वेबसाइट के लिए दे दिया ठीक है तो वो होती है शेयर्ड होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट जो होती है वो कम होती है ठीक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर वी होस्टिंग एक वी सर्वर भी हम लोग बनाते हैं जैसे कि आप वी सर्वर में क्या कर सकते हो ये आप बना सकते हो ये जो होते हैं ना डि डिजिटल ओशियंस वगैरह यहाँ पर आप लोग खुद के अपने वी, वी सर्वर बना सकते हो जैसे कि आप पूरा जो विंडोज़ है ना अपना पूरे विंडोज़ को आप लोग क्या कर सकते हो वर्चुअली क्लाउड पे बना सकते हो पूरा विंडोज़ आपका चला जाएगा वहाँ पे आपको कुछ रैम्स वगैरह भी आपको विंडोज़ के लिए मिल जाएगी यानी कि सारा काम आप कर सकते हो ऑनलाइन ठीक है और जो इसकी स्पीड इस वगैरह भी बहुत ही फास्ट होती है वहाँ पर वी सर्वर का सारा चीज़ आपका इंटरनेट पे होता है तो कभी ट्राई करिएगा इस चीज़ को मैं एक्स्ट्रा चीज़ ये बोल दिया ठीक है बी सर्वर के बारे में एक बार पता करना आप लोग ये क्या प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड पोर्शन ऑफ अ सर्वर विथ मोर कंट्रोल एंड रिसोर्स होस्टिंग तो बेसिकली आपको डेडिकेटेड पोर्सन प्रोवाइड करता है एक सर्वर का जहाँ पर आपका बहुत सारा कंट्रोल होता है वहाँ पर ठीक है उसका देखो डेडिकेटेड होस्टिंग डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है ऑफर्स एन इंटायर सर्वरूस एक्सक्लूसिवली फॉर ए वेबसाइट ठीक है तो डेडिकेटेड होस्टिंग में ये होता है मतलब तो डेडिकेटेड मतलब खुद का एक रहता है ऐसा ठीक है क्लाउड होस्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोग नाम सुने ही होंगे सब्जेक्ट भी होगा तो पढ़े भी होंगे तो क्लाउड होस्टिंग भी एक टाइप की क्या है यूटिलाइज मल्टीपल सर्वर्स इन अ नेटवर्क टू हैंडल ट्रैफिक एंड इंश्योर रिलायबिलिटी ठीक है जो भी मल्टीपल सर्वर्स होते हैं नेटवर्क में उनके ट्रैफिक्स को ये काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करता है और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है ठीक है ये सारी चीज़ें आपकी होस्टिंग में आती है और होस्टिंग प्रोवाइडर की मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि होस्टिंगर वगैरह जो हैं आप यहाँ से वेबसाइट की होस्टिंग कर सकते हो ब्लू होस्ट है वहाँ से कर सकते हो अमेज़न का ए डब्ल्यू एस है अमेजन वेब सर्विस यहाँ पे कर सकते हो तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं होस्टिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो अब इसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सि वेब डिज़ाइनिंग के बारे में भाई ये क्या होता है तो रिस्पॉन्सिव एफ डिजाइनिंग मैंने पीछे ही बता दिया तो आपको ये इमेज नीचे दिया वह समझ में आ रहा होगा कि रिस्पॉन्सिव मतलब मतलब रिस्पॉन्सिफ डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वो लैपटॉप पे भी ओपन हो वो आपके टैबलेट पर भी ओपन हो या हम उसे टैबलेट को लैंडस्केप में रखें या पोर्ट्रेट में रखें तो आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी तरीके से विजिबल हो कुछ भी इधर उधर ना हो और फ़ोन पर ओपन करें तो भी आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से ओपन हो जाए कोई प्रॉब्लम ना हो तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का मतलब यही होता है कि इस तरीके से कोडिंग करना इस तरीके से कोड करके वेबसाइट बनाना ताकि कोई बंदा अगर लैपटॉप टैबलेट या फ़ोन पे ओपन कर रहा है तो आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम ना आए यानी उसे सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हो ठीक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अ डिज़ाइन अप्रोच दैट अलाउज वेबसाइट्स टू ऑटोमेटिकली द स्क्रीन साइज ऑफ द डिवाइस दे आर फ्यू ऑन सेम है ये कि वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेता है उस स्क्रीन की साइज के अकॉर्डिंग और वो वेबसाइट और यूज़र को सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दिखती है उस डिवाइस के अकॉर्डिंग अब लैपटॉप में दिखेगा तो चीज़ें थोड़ी बड़ी हो जाएंगी लेकिन चीज़ें दिखनी चाहिए और वही चीज़ अगर फ़ोन में दिखेगा तो चीज़ें छोटी हो जाएंगी लेकिन फिर भी दिखना चाहिए तो ये सारी चीज़ें होती हैं और जैसे देखो मैं इंक्लूडेड इंक्लूड्स हैं क्या टैबलेट है फ़ोनस है टेलीविजन् ये सारी चीज़ आपकी इसमें आ जाती है अब कुछ की प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ टेक्निक्स होती है यहाँ पर देखो जो फ्लू ग्रीड लेआउट है इसका काम क्या होता है जैसे कि देखो फिक्स्ड विथ लेआउट यूज होता था, था ना पहले कि जो विथ लेआउट है विथ लेआउट है ये इतना ही रहना चाहिए फिक्स रहना चाहिए लेकिन रिस्पॉन्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रिलेटिव यूनिट्स जैसे कि परसेंटेज वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं और जैसे कि फ्लूड ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए हम लोग परसेंटेज वगैरह का कर यूज़ करते हैं इससे क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये उन एलिमेंट्स को ये इस तरह से अलाउ करते हैं कि ये जो डिफरेंट स्क्रीन साइज़ में जा रहे हैं वो एलिमेंट्स अगर फ़ोन में जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो उस स्क्रीन के साइज़ अडॉप्ट कर ले अपने आप को अगर वो टैबलेट में जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट कर ले अगर लैपटॉप में जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट कर ले फ्लैक्सीबल इमेज़ फ्लैक्सीबल इमेज में क्या होता है तो कि ये सी एस एस का यूज़ करते हैं इमेज़ को फ्लैक्सीबल बनाने के लिए और जो कंटेनर होता है ठीक है जो कंटेनर होता है उसके उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही ये लोग ये इस इमेज स्केल स्केल करता है ठीक है और जो मैक्सिमम वीथ होती है वो हंड्रेड परसेंट यूज़ की जाती है ताकि जो इमेज हो ना वो जो एलिमेंट्स है उससे ज़्यादा वो एक्सीड ना करे तो ये सारी चीज़ जब आप लोग सी एस एस वगैरह पढ़ोगे आगे की यूनिट्स हैं तो वहाँ पे जब कोड करके आपको बताया जाएगा तो आप समझ पाओगे कि हाँ ऐसे कोडिंग कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बन रहा है ऐसे कर रहे हैं तो नहीं बन रहा है तो बेसिकली अभी यहाँ पर थेटिकल चीज़ें भी हम लोग बस जानेंगे मोबाइल फ़र्स्ट डिज़ाइन मोबाइल फ़र्स्ट डिजाइनिंग में क्या है कि सबसे पहले इसमें अप्रोच होती है कि जो भी आप लोग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं जो डेवलप कर रहे हैं वो स्मॉलर स्किन में सबसे पहले तो फिट आए ठीक है और फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि उसके बाद इन्हेंस करते हैं कि लार्जर स्क्रीन में भी ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे तरीके से हो ताकि मोबाइल डिवाइसेस पे भी आपके जो यूजर एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें अच्छे से हो टेस्टिंग अक्रॉस डिवाइसेस और रिस्पॉन्सिप डिज़ाइन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस लेकर आपको एम्यूलेटर वगैरह का यूज करके आपको सारे इम्यूलेटर पर टेस्ट करना होता है कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज़ पर आपकी जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है वो अच्छे तरीके से चल रही है ठीक इमेज एंड एसेट्स एसेट ऑप्टिमाइजेशन यानी कि आपको डिफरेंट जो स्क्रीन होती है वो डिफरेंट रिजोल्यूशन की होती है और साइजेस की होती है ठीक है तो हमें यहाँ पे इमेजेस वगैरह के और जो भी अदर एसेट्स होते हैं एसेट्स होते हैं उन्हें हमें ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत होती है क्यों करनी पड़ती है कि इसलिए करनी पड़ती है ताकि जो पेज का लोडिंग टाइम है ठीक है वो आपका कम हो जल्दी से लोड हो के ओपन हो क्योंकि सबके फ़ोन का नेटवर्कस वगैरह पे भी डिपेंड करता है ना तो इसलिए हम बहुत ही ऑप्टिमाइज इमेज है असिट्स को यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो भी इमेजेस वगैरह हो अट्स हो जल्दी से ओपन हो आपकी वेबसाइट या मोबाइल अप्लीकेशन में आई होप की वेब डिज़ाइन आपको समझ में आ गया होगा अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट के बारे में आखिर वेबसाइट के कौन कौन से टाइप्स हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टैटिक वेबसाइट के बारे में ठीक स्टैटिक वेबसाइट के पहले पॉइंट पे देखो स्टैटिक वेबसाइट्स हैव फिक्स्ड कंटेंट दैट रिमेंस द सेम फॉर एवरी यूजर तो सबसे पहले मैं मोटी मोटा चीज़ें बता देता हूँ स्टैटिक मतलब क्या होता है शांत यानी कि इसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं दिखेंगे आपने कोई वेबसाइट बनाया और उसे कहीं पर होस्ट कर दिया ठीक है कहीं पर लाइव कर दिया अब कोई बंदा सर्च करता है और उसे कंटेंट सर्वर से मिल जाता है सर्च करता है सर्वर से मिल जाता है बस इतना ही काम हो रहा होता है अभी मैं डायनेमिक बताऊंगा तो आप रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे ठीक द कंटेंट इज़ रिटेन डायरेक्टली इन एस डी एम एल एंड इज़ नॉट जनरेटेड ऑन द सर्वर बेसिकली इसमें जो कंटेंट होता है वो एस डी एम एल में ही लिखा होता है सर्वर पर जनरेट नहीं होता है जैसे कि सर्वर में मैं बता देता हूँ जैसे कि बहुत सारी चीज़ हम लोग यूज, कर, यूज करते हैं जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं जैसे इंस्टाग्राम में एप्लीकेशन सेम है ना ठीक एप्लीकेशन सेम है सबका अगर आप चैट वाले सेक्शन में जाते हो क्या सबके फ़ोन में सेम ही चैट ओपन होता है क्या नहीं ये यूज़र के अकॉर्डिंग ध्यान देना यूज़र के अकॉर्डिंग सर्वर से प्रोसेस होकर उसके फ्रेंड की लिस्ट ही वहाँ पे दिखती है ऐसा नहीं कि सेम लिस्ट सबके फ़ोन में दिखे नहीं यानी कि सर्वर पर प्रोसेसिंग होती है कि ये जो बंदा अकाउंट बनाया है इसके कितने फ्रेंड्स हैं कौन से फ्रेंड्स ऐड हुए हैं क्या ऐड हुए हैं किसने पोस्ट किया है ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद ही दिखती हैं वहाँ पर यानी कि सर्वर पर यहाँ पर प्रोसेस होती है और कुछ वेबसाइट्स होती हैं एकदम नॉर्मली होती जहाँ पे आप कंटेंट लिख कर डाल देते हो और कोई सर्च करता है तो सेम ही मैं सर्च करूँगा तो सेम ही दिखेगा कोई दूसरा बंदा सर्च करेगा तो सेम ही दिखेगा यानी सर्वर पर कुछ नहीं होता है वेब पेजेज आर रिटर्न बाई द सर्वर विच आर प्री बिल्ड सोर्स कोड फाइल्स बिल्ट यूजिंग सिंपल लैंग्वेज सच एज एस टी एम एल सी एंड जावर स्किल एक चीज ध्यान देना जो कंटेंट होता है वो सर्वर से ही आता है लेकिन एक सर्वर से जनरेट होना यानी सर्वर पर प्रोसेसिंग करना और सर्वर से डेटा उठाना ये दो चीज़ है ध्यान देना जो कंटेंट है वो तो सर्वर पर रहेगा चाहे स्टैटिक वेबसाइट हो या चाहे डायनेमिक वेबसाइट हो स्टैटिक में क्या होता है कि सर्वर पर डेटा प्रोसेस नहीं होता है सर्वर से डेटा प्रोसेस होकर जनरेट होकर नहीं आता है जो डेटा आप लोग प्री बिल्ड करके पहले से आप लिख कर या टाइप करके कुछ भी कंटेंट रखे वही आपको सारे लोगों को दिखेगा लेकिन डाइनिंग में क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें इंफॉमेशन है मैंने इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया सर्वर पर आपकी चीज़ों को प्रोसेस किया जाएगा फिर आपके सामने यूज़र को दिखाया जाएगा तो ये ध्यान देना स्टैटिक वेबसाइट्स आर टिपिकली ईजियर टू होस्ट एंड वेल सूटेड फॉर सिंपलर प्रोजेक्ट विथ रिलेटिवली स्टेबल कंटेंट बेसिकली काफ़ी ईजी होते हैं होस्ट करना बनाना वगैरह ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर मैंने एक इमेज लिया है यहाँ पर देखो पहले स्टेप में वेब ब्राउजर क्या करता है कि स्टैटिक पेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को ठीक है तो दूसरे में देखो वेब सर्वर फाइंड पेज अगर वो पेज वेब सर्वर में है ठीक है तो क्या करता है हाँ भाई है तो क्या करता है रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है और वो जाके दिख जाता है ठीक है तो वेब सर्वर सेंड पेज टू रिक्वेस्टिंग ब्राउज़र तो क्रोम पर वो जैसे कि यहाँ पर देखो क्रोम से आपने सर्च किया रिक्वेस्ट किया सर्वर को हाँ सर्वर को मिल गया और यहाँ से ये क्या करेगा वहाँ पे रिस्पॉन्स दे देगा बस इतना ही स्टैटिक वेबसाइट में होता है अब डायनेमिक वेबसाइट की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर क्लाइंट है ये देखो ये क्लाइंट है ठीक है ये क्लाइंट है क्लाइंट में आपने की से लिखा कि मुझे ये सारी चीज़ एस मतलब तो इंस्टाग्राम की वेबसाइट ले लो आपने अपने दोस्त का कुछ भी चीज़ें देखने के लिए सर्च किया तो वो आपका जाएगा वेब सर्वर पर ठीक है वेब सर्वर पर जाएगा और यहाँ पर डेटाबेस होगा डेटाबेस सर्वर यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन वगैरह डेटा वगैरह सेव होगा फिर वहाँ से आपका डेटा आएगा और यहाँ पे सर्वर पर आपकी सारी चीज़ें प्रोसेसिंग होगी ठीक है प्रोसेसिंग होने के बाद टेक्स्ट के फॉर्मेट में आएगा और आपको दिख जाएगा चीज़ें ठीक और यहाँ पे देखो पहले पॉइंट पे क्या दिया हुआ है डायनिंग वेबसाइट जनरेट कंटेंट ऑन द सर्वर साइड और देखो देख दिया ना डाइनिंग वेबसाइट जो होती हैं वो सर्वर को जनरेट करती हैं सर्वर साइड पर ठीक है ऑफन यूजिंग अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करती हैं जैसे पी एच पी पाइथन रूबी और भी होती हैं उनको यूज करती हैं ये कंटेंट जो होता है वो पर्सनलाइज बेस्ड हो सकता है ऑन यूजर इंट्रैक्शन और डेटा रिट्यूट फ्रॉम डेटा तो बेस्ड अपॉन द डेटा ये आपका जो डेटा है बेस्ड अपॉन द डेटा जो रिजल्ट होगा वो पर्सनलाइज होगा ठीक डाइनेमिक वेबसाइट्स आर सूटेबल फॉर अपलिकेशन वेयर कंटेंट नीड टू बी फ्रीकुनली अपडेटेड और कस्टमाइज फॉर ईच यूज़र तो यही मैंने इंस्टाग्राम बताया कि जितने भी यूज़र्स हैं उनके लिए सारा कंटेंट डिफरेंट होता है सारे दोस्त डिफरेंट होते हैं है ना तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही होती हैं सर्वर पर यानी कि डेटाबेस में सारा बहुत सारा डेटा स्टोर है लोगों का और वो सर्वर पर प्रोसेस होकर यूजर्स को सामने दिख रहा होता है ठीक आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको तो अगर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है ये वीडियो हेल्पफुल है आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा और आगे की वीडियो मैं तभी अपलोड करूँगा ठीक उसके बाद देखो वेब पेजेज आर रिटर्न बाई द सर्वर विच आर प्रोसेस ड्यूरिंग रन टाइम मीन्स दे आर नॉट प्रीबिल्ड अब देखो वेब पेज होते हैं रिटर्न बाई द सर्वर ठीक है सर्वर के थ्रू रिटर्न किए जाते हैं विच आर प्रोसेस ड्यूरिंग रन टाइम रन टाइम पर यानी कि जो एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं उसी टाइम पे वो चीज़ें प्रोसेस्ड होती हैं यानी कि वो प्री बिल्ट नहीं होते ऐसा नहीं पहले से बना के सर्वर पर डाल दिया गया और कोई सर्च करेगा तो आ जाएगा नहीं ना ऐसा नहीं ना जब इंस्टाग्राम बना था तो आपके सारे दोस्त उसे पहले से पता थे ये उसके दोस्त हैं उसने डाल दिया कि ये बंदा जब अपना अकाउंट ओपन करेगा तो सारे दोस्त नहीं ऐसा नहीं था ना आप हमेशा नए दोस्त बनाते हो फिर सर्वर में जाता है डेटा में आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती है फिर वो चीज़ें प्रोसेस होती हैं तो जब वो नया फ़ोटो कोई अपलोड करता है तो आपके सामने वो चीज़ें दिखती हैं तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं ना तो इसी मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और जाके एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिखो अगर क्लास में टीचर आपसे पूछे तो उसका आंसर भी कर पाओ ठीक है डेली रन टाइम अकॉर्डिंग टू द यूजर्स डिमांड विद द हेल्प ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वही यूजर डिपांड डिमांड के अकॉर्डिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं ठीक ये डायग्राम एग्जाम में आप लोग ज़रूर बना दीजिएगा ठीक है इसके बाद बात करते हैं हम लोग एच टी एम एल के बारे में अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें बेसिक बेसिक समझ ली हैं आई होप कि समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है बस इतना लिख दो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर मी मुझे बहुत अच्छा लगेगा दिल से और मैं आगे, आगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द से जल्द तो इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स होने चाहिए और कमेंट करिए आप लोग ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट यूनिट की वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तो जितना सारा लाइक करोगे देखो तभी मुझे पता चलेगा कि वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को तभी मैं आगे यूनिट की वीडियो बनाऊँगा ठीक है और कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे यूनिट्स की वीडियो आपको चाहिए ठीक है उसके बाद चलो एच की बात करते हैं एस बेसिकली क्या होता है फुल फॉर्म इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म याद हो गया ठीक है इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस तो वेब पेजेस बनाने के लिए एंड वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो कि आपका इंटरनेट पे दिखता है ठीक एच एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ठीक है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशनस की बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिसे हम लोग इंटरनेट पर देखते हैं ठीक ये हमें अनुमति देता है एस हमें अलाउ करता है कि हम लोग टेक्स्ट को ऐड कर सकें इमेजेस को ऐड कर सकें वीडियोस को ऐड कर सके लिंक्स को ऐड कर सकें और भी जो अदर टाइप्स ऑफ की मीडियाज़ होती हैं उसे हम अपने वेब पेज में ऐड कर सकें ठीक उसके बाद देखो कैसे ऐड करते हैं आगे आपकी यूनिट्स वगैरह में दी हुई है ठीक है इट्स आल्सो अलाउज़ यू टू डिफाइन द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द कंटेंट ऑन द पेज यूजिंग स्टाइल सीट्स एंड अदर फॉर्मेटिंग टेक्निक्स जो भी स्टाइल सीट्स सी एस वगैरह होती है वो हम इसके अंतर्गत यूज कर सकते हैं एस के अंदर और बहुत अच्छा डिजाइन दे सकते हैं अपनी वेबसाइट को ठीक है उसका देखो कुछ एस के टैग्स होते हैं आप थर्ड ईयर में हो गए तो आपको बहुत सारी चीज़ आपको टैग्स वगैरह पता हो चुके होंगे तो जैसे कि देखो स्टीमर के जो टैग होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं एक पेयर टैग होता है एक सिंगुलर टैग होता है सिंगुलर टैग में क्या होता है कि सिंगल जैसे कि बी आर ठीक है बी आर से क्या होता है ये लाइन ब्रेक हो जाता है ना आपका तो बी आर टैग वहाँ पर यूज़ करते हैं सिंगलर है ना सिंगल है और जैसे कि पेयर टैग में देखो यहाँ पर टाइटल अगर एक टाइटल देते हैं फिर बीच में लिखते हैं फिर ये टाइटल आपका क्लोज होता है यानी कि पेड़ में आ जाता है तो टाइटल में बेसिकली टाइटल वगैरह देने के लिए करते हैं एड्रेसिस में एड्रेस देते हैं बी में दूसरी लाइन हेडिंग में एच वन एच टू एच थी अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे हेडिंग आती है टेक्स्ट स्टाइल में जैसे कि हम लोग बोल्ड करने के लिए बी लिखते हैं ठीक है आई अंडरलाइन करने के लिए यू लिखते हैं ई लिख के लिए आई लिखते हैं ये कुछ टैग्स होते हैं तो जब एग्ज़ाम में आपसे पूछे तो एस्टीएमल के बारे में लिखिएगा और टैग्स लिख दीजिएगा उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ इस बंदे को आती है सेंटर से क्या करते हैं सेंटर में करने के लिए अब देखो यहाँ पर एक इस टाइप का भी टैग होता है फॉन्ट का होता है तो फॉन्ट लिखने के लिए यहाँ पर हम लोग साइज डिफ़ाइन कर देते हैं अब उस फॉन्ट का कलर क्या होगा वो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं ताकि चीज़ें आसान हो सके यानी हमें कलर देना है ब्लू रेड वाइट कुछ भी देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं और उसका फॉन्ट का साइज़ जो होता है वो यहाँ पे दे सकते हैं ये सारी चीज़ किसमें आती है टेपोग्राफी में ठीक चलो अब बात करते हैं हम एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि एस टी एम एल डॉक्यूमेंट क्या होता है ठीक है तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है ये एस टी एम एल डॉक्यूमेंट का ठीक है तो स्ट्रक्चर में आपका क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर देखो डॉक टाइप सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डॉक टाइप तो ये डॉक टाइप जो एस लिखा होता है ना ये बेसिकली क्या होता है कि एस का वर्ज़न क्या है ठीक है तो ये बेसिकली एस वर्जन को डिनोट करता है तो एस टी फाइव को ये डिनोट कर रहा होता है ठीक है अब यहाँ पे देखो एस लिखा हुआ है ठीक है इसे हम रूट एलिमेंट करते हैं एस टी डॉक्यूमेंट का इसे हम लोग रूट एलिमेंट करते हैं यहाँ पर देखो एस टी स्टार्ट है और यहाँ पर एस बंद है अब इसी अब इसी दोनों के अंदर ही हम सारी कोडिंग करते हैं इसी एस के अंदर एल के अंतर्गत ठीक है अब देखो यहाँ पे हेड आ गया तो हेड हेड का काम क्या होता है जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है एस डॉक्यूमेंट की ध्यान देना जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है एस डॉक्यूमेंट का वो सारी चीज़ों को ये कंटेन करता है जैसे कि व्यू पोर्ट सेटिंग वगैरह हो गया ये सारी चीज़ों को जैसे देखो टाइटल जो हम लोग लिखते हैं ना टैग वो भी हेड के अंतर्गत ही आता है ठीक है और हेड यहाँ पे आपका हो जाता है बंद ठीक अभी जब सी एस एस वगैरह पढ़ोगे जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो और डीप में जाओगे लेकिन अभी पहले यूनिट में आपको स्ट्रक्चर पूछ रहा है एग्ज़ाम में तो आपको ये लिखना है और जैसे कि एस टी एम एल हेडिंग टाइटल ये सारी चीज़ जैसी दी हुई ना थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख देना है ठीक है उसके बाद आपका आता है बॉडी ठीक है अब टाइटल अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको ठीक है अभी देखो बॉडी तो बॉडी में आपका क्या होता है कि जो बॉडी होता है ना ये आपके एस टी एम एल डॉक्यूमेंट के जो भी जैसे कि कंटेंट होता है उसे कंटेन करता है जैसे कि पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं ना बड़ा सा पैराग्राफ इमेज वगैरह इंसर्ट करना हो तो ये सारी चीज़ें हम लोग जैसे फॉर्म बनाना हो तो ये सारी चीज़ हम लोग बॉडी के अंतर्गत ही कोडिंग वगैरह हम लोग करते हैं तो एस टी एम एल डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके कुछ पार्ट्स हैं तो पहले पार्ट लोग बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्स का तो ये एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा तो एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए तो एन एस टी एम एल एलिमेंट इज इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज ठीक है तो ये वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है और ये कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट टैग कंटेंट एंड एंड टैग को कंटेन करती है यानी कि एलिमेंट्स वो होते हैं जो स्टार्ट टैग कंटेंट और एंड टैग को कंटेन करते हैं उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं ठीक है सम एलिमेंट्स आर सेल्फ क्लोजिंग एंड डोंट हैव एन एंड टैग कुछ होते हैं जो सेल्फ़ क्लोजिंग होते हैं मैंने यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि ये ये एग्जांपल है कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ठीक तो यहाँ पर जो पहला पी है ये आपका हो जाता है स्टार्ट टैग ठीक है ये आपका स्टार्ट टैग होता है और यहाँ से यहाँ तक जो आपका लिखा हुआ है ये दिस इज अ पैराग्राफ इसे हम लोग बोलते हैं कंटेंट और ये आपका क्लोजिंग टैग है यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं एंड टैग ठीक है इसको 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 हम बोलते हैं इंडटैक समझ में आया एलिमेंट क्या होता है कुछ कॉमन एलिमेंट्स के मैं बात कर लेता हूँ एच वन एच टू एच सिक्स तक जो होता है हेडिंग्स वो आपके एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं ऐसे पैराग्राफ जो हम लोग लिखते हैं या आपकी आती है पैराग्राफ भी एलिमेंट्स के अंदर लिस्ट जो हम लोग बनाते हैं वो भी आपकी आती है एलिमेंट के अंतर्गत ठीक अब बात करते हैं हम एट्रीब्यूट के बारे में दूसरे नंबर पर एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो एस टी एम एल एट्रीब्यूट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एस टी एम एल एलिमेंट अब ध्यान देना एस टी एम एल एलिमेंट की बातें हमने कर लिया अब इस एस टी एम एल एलिमेंट की जो इन्फॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो हमें देता है वो एट्रीब्यूट कहलाता है दे आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द ध्यान देना दे आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द ओपनिंग टैग एंड कॉम इन नेम वैल्यू पेयर अब ये ओपनिंग टैग क्या होता है जैसे हमने पैराग्राफ ऐसे लिखा था ना फिर इसको क्लोज कर दिया था यानी कि इसको ओपन किए और यहीं पर ये यह एट्रीव्यूट आएगा और फिर ये क्लोज होगा फिर कंटेंट लिखेंगे और फिर पैराग्राफ अपना यहाँ पे क्लोज होगा समझ में आ रहा है तो ऐसे ही देखो तो यहाँ पर क्या हुआ है ऐसे ओपन हुआ एंकर टैग ए लिखा एच लिखा और यहाँ पर हमने लिंक दे दिया ठीक है लिंक दे दिया और ये टारगेट ब्लैंक लिखा एंड अदर होता है और यहाँ पर जो कंटेंट था वो हमने लिखा और फिर यहाँ पर हमने उसको क्लोज कर दिया तो एच रिफ जो है ये आपका एट्रीब्यूट नेम है अब समझ में आ गया कि कि जो स्टार्टिंग में जो हम लोग ओपनिंग टैग होते हैं इसके बाद जो लिखते हैं वही आपका एट्रीब्यूट होता है एट्रीब्यूट नेम होता है और जो हम लोग लिंक देते हैं वह एट्रीब्यूट वैल्यू होती है यानी कि ये जो है ये आपका एट्रीब्यूट नेम हो गया और ये ये जो पूरा हो गया ये आपका एट्रीब्यूट वैल्यू हो गया और टारगेट जो ब्लैंक लिखा हुआ ये अनदर एट्रीब्यूट में आ जाता है ठीक है आई होप की चीज़ें समझ में आ गई होंगी ऐसे ही कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं आपके क्लास और आई ठीक है अब इसके बाद बात करते हैं टैग्स के बारे में कि टैग्स क्या होता है थर्ड नंबर पर एस टी एम एल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड एस टी एम एल डॉक्यूमेंट देफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट थी ये स्ट्रक्चर एंड कंटेंट को डिफाइन करते हैं ठीक है और ये टैग्स आर यूज इन पेयर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, एंड दे इन क्लोज कंटेंट टू अप्लाई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग और फंक्शनालिटी तो यहाँ पर देखो टैग का नेम ये जो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहला बताया था ना एलिमेंट वाला से मिलता जुलता है ये तो टैग नेम देते हैं और फिर टैग नेम को क्लोज करते हैं और बीच में कंटेंट को लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं ओपनिंग टैग ये जो स्टार्टिंग वाला होता है इसे ओपनिंग टैग बोलते हैं फिर बीच में ये आपका कंटेंट आ जाता है और ये थर्ड पे है ये आपका टैग नेम क्लोज़ हो जाता है जो भी हो एच वन का देखो एच वन लिखने का तरीका क्या है एच वन लिखते हैं कुछ यहाँ पे लिखते हैं फिर एच वन को ऐसे क्लोज कर देते हैं ठीक है बस ऐसे हो गए पैराग्राफ ये आपकी लिस्ट वगैरह में आ जाती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हो गई उसको देखो डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो होता है ये स्पेसिफाइज करता है एच के वर्जन के ठीक है कि कौन सा वर्ज़न यूज हो रहा है ताकि जो ब्राउज़र होता है उस पेज को आसानी से रेंडर कर सके ठीक है और जो डॉक टाइप होती है ये सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में ही प्लेस करते हैं मैंने पीछे भी जो इमेज था ना वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ठीक है यहाँ पर देखो डॉक टाइप का एच होता है डिक्लेरेशन ऑफ़ एच डी एम एल वर्जन फॉर एग्जाम्पल एच डी एम एल फाइव दिस इज़ द स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन ठीक है तो आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो अभी मैंने आपको बताया था ना एस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैंने उसके बारे में बताया था तो स्टार्टिंग में मैं इस सारी चीज़ों को पहले कर देता हूँ डिलीट और जैसे मैं स्विफ्ट के पास वन जो होता है ना बटन उसके ऊपर एक्सप्लेनेसन का मार्क है उसको जैसे ही क्लिक करोगे और ऐसे इंटर करोगे सारी चीज़ें आपके सामने लिखी लिखाई आ जाएंगी ठीक है और व्यू पोर्ट का नाम लिया था मैंने हेड के अंदर कंटेंट करता है देखो व्यू पोर्ट आ गया यानी सबसे पहले देखो डॉक टाइप होता है जो कि बताता है कि कौन सा वर्जन है एस का फाइव है ताकि जो वेब ब्राउज़र होता है ताकि वो रेंडर कर पाए उस पेज को आसानी से और यहाँ पे देखो एस टी एम एल ओपन हुआ है और यहाँ पर देखो एस टी एम एल क्लोज़ हुआ है और बॉडी देखो यहाँ पर क्लोज़ हुई है और बॉडी यहाँ पर आपकी ओपन हुई है और इसके अंदर्गत हम लोग कंटेंट लिखते हैं ठीक है और यहाँ पर देखो आपका हेड है पेट के अंतर्गत हम लोग टाइटल लिखे हैं इधर टाइटल डॉक्यूमेंट है मैं इसे चेंज कर देता हूँ डॉक्यूमेंट की जगह मैं यहाँ पे ई आई भी लिख देता हूँ ठीक है तो इस पेज को चलो हम लोग रन करके देखते हैं तो कंट्रोल एस से हम लोग सेव करेंगे और देखते हैं कि जो ई आई ओ भी मैंने दी लिखा है ये कहाँ पे शो हो रहा है तो मैंने ये रन कर लिया इस फाइल को और जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे ई आई ओ भी आ गया ठीक है अब चलो मैं कुछ चेंज करता हूँ यहाँ पे देखता हूँ कि ई आई ओ भी नाइन नाइन लिख देता हूँ मैं अब देखता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ ठीक अब देखता हूँ इसको रिफ्रेश करके रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है अब देखो ए वी नाइन नाइन यहाँ पर आ गया तो कुछ समझ पा रहे हो कि टाइटल लिखते हैं क्यों तो यहाँ पर जितनी वेबसाइट आप लोग ओपन करते हो तो यहाँ पर देखने को मिलता होगा ठीक है तो ऐसे ही टाइटल में वो लोग लिखते हैं इसीलिए यहाँ पर देखने को मिलता है अब मैं यहाँ पर कुछ बॉडी में पी टैग यानी पैराग्राफ कुछ लिखता हूँ हाय दिस दिस इज़ ए आई यू वी दिस इज या यू भी मैंने सिंपल सा लिख दिया दिस इज ई आई यू भी ठीक है और मैं यहाँ पे सिंपल सा सेव करता हूँ और यहाँ पे ब्राउज़र में चलता हूँ रिफ्रेश कर देखो हाय दिस इज या पैराग्राफ में आ गया ना तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही सिंपल होती हैं बहुत सिंपल है एस टी देखो बहुत सिंपल है बस ध्यान से समझ लो एक बार सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने लगेगी तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको जो भी चीज़ें मैंने अभी बताया आपको ये डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा तब हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्कअप टैक्स के बारे में तो ये क्या होता है तो मार्कअप टैक्स क्या होता है मार्कअप टैक्स आर यूज टू स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन वेब पेज वेब पेज पे कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए करते हैं और ये जो टैक्स हैं ठीक है ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड कर वेब ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि जो भी आपका एलिमेंट्स है कंटेंट है वो कैसे वहाँ पर डिस्प्ले होगा तो कुछ स्ट्रक्चरल टैग्स जो हैं आपके जैसे कि डॉक टाइप एस ये भी एक टैक्स है जो कि आपके एस के वर्जन को दिखाता है एस टी एम एल फाइव ठीक है इस केस में आप एस टी एम एल फाइव को ले सकते हो फिर एस टी एम एल आपका स्टार्ट होता है जो कि रूट एलिमेंट होता है ठीक है हेड स्टार्ट होता है जहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन आपकी होती है वीपोर्ट की सेटिंग्स वगैरह होती है फिर टाइटल होता है जहाँ पे मैंने अभी आपको लाइव करके दिखाया कि टाइटल में जो चीज़ लिखते हैं कहाँ पे शो होता है वो सारी चीज़ें होती हैं और बॉडी होता है जो कि एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स के जो भी कंटेंट होते हैं उसे कंटेंस कर रहा होता है जो कंटेंट होता है उसे कंटेंस कर रहा होता है जैसे कि टेक्स्ट हो गया इमेजेस हो गया लिंक हो गया ये सारे चीज़ों को वो कंटेन करता है आई होप कि मार्कअप टैग आपको समझ में आ गया होगा अब इसके बाद बात करते हैं हेडिंग एंड पैराग्राफ की ठीक है तो यहाँ पर मैंने दो इमेज़ लिए हैं एक साइड आपका हेडिंग आ गया एक साइड आपका आ गया पैराग्राफ इन दोनों को मैं कोड करके आपको प्रैक्टिकल रन करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है हेडिंग वाला ठीक है तो हेडिंग बेसिकली सिंपल है पूरा कोड सेम ही है तो मैंने देखो ये बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर ही मेन कंटेंट आता है ना आपका तो बॉडी के अंदर मैंने एच वन टैग लिया है फिर एस टू लिया है एस थ्री लिया है एच फोर लिया है एच फाइव लिया है एच सिक्स लिया है ठीक है तो मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करूँगा मैंने पहले से लिख दिया है सेव भी किया है तो आप लोग ना भूलना सेव करना और मैं इसके फोल्डर में चलता हूँ और मैं यहाँ से आपको रन करके दिखाता हूँ हमें क्या देखना है पैराग्राफ हमें हेडिंग वाला देखना है ठीक है तो हेडिंग वाला देखो दिस इज़ हेडिंग वन दिस इज़ हेडिंग वन मैंने यहाँ पर लिखा था दिस इज हेडिंग वन 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 लिख देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ क्या चेंज होता है क्या ये तो दिस इज हेडिंग वन वन आना चाहिए देखो दिस इज़ हेडिंग वन वन फिर देखो एस टू में मैंने लिखा था इतनी छोटिंग एस थ्री में लिखा था इतना छोटिंग एस फोर में एस फाइव में एच सिक्स देखो कितना छोटा दिख रहा है ठीक है तो ये आपको हेडिंग में आता है तो जब एग्ज़ाम में लिखने जाना आप लोग तो ये पूरा कोड अच्छे से लिख देना हेडिंग के अंदर ठीक अब पैराग्राफ में देखो पैराग्राफ में मैंने पी वाला बताया मैंने पीछे पैराग्राफ के भर के बता भी दिया हूँ ठीक है करके दिखा दिया हूँ ना तो चलो पैराग्राफ वाला रन करके देखते हैं कमांड तो मैंने पैरा वाला रन किया देखो यू आर लर्निंग फ्रॉम ई आई यू भी यूट्यूब चैनल ठीक है और मैंने टाइटल में लिखा था पैराग्राफ एग्जाम्पल ये देखो टाइटल में लिखा है पैराग्राफ एग्ज़ाम्पल वो ऊपर दिख रहा है और पैराग्राफ में मैंने जो चीज़ लिखा वो आपको वहाँ पर दिख रहा है ठीक है तो ये सारी चीज़ें होती हैं ठीक और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ बी आर टैग के बारे में ठीक है अगर आपको मैंने यहाँ पे देखो लिखा है ना यू आर लर्निंग फ्रॉम ई आई यू वी यूट्यूब चैनल अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्रॉम है ये इतना ये नीचे आए तो नीचे आए उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा बी आर टैग तो यू आर लर्निंग अब मुझे इसके बाद नीचे चाहिए तो मैं यहाँ पे बी आर लिख दूंगा अब ऐसे क्लोज कर दूँगा ठीक है अब देखो इसके बाद मैं इसे सेव कर दूँगा और जैसे ही मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ ये चीज़ देखो नीचे आएगा यू आर लर्निंग फ्रॉम यू आई ई आई यू वी यूट्यूब चैनल बस सिंपल बी आर टैग इतना ही यूज़ करते हैं इसे लाइन ब्रेक कहते हैं ठीक है लाइन ब्रेक टैग जो होता है ना ये बी आर टैग होता है आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी ठीक है चलो इसके बाद हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हेडिंग पैराग्राफ अगर मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया है और नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इस बार चलो लाइन ब्रेक की बात करते हैं तो अभी लाइन ब्रेक का मैंने लाइव एग्जाम्पल वहाँ पर दे दिया है और यहाँ पर भी देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो एग्ज़ाम में अगर लाइन ब्रेक से रिलेटेड आता है तो बॉडी के अंदर उसको आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर देखो बी आर टैग यूज हुआ है ठीक है पैराग्राफ के अंदर ठीक तो लाइन ब्रेक्स का यूज ऐसे होता है ठीक है बाकी अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख दीजिएगा फिर उसके बाद थोड़ा मैंने आपको एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया हूँ एस टी एम एल वर्सेज डी एस टी एम एल डायनेमिक हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है तो ये क्या होता है मैंने यहाँ पे इसका पूरा अच्छे से लिख के रखा है ताकि जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा जैसे एस जो होता है ये मार्कअप लैंग्वेज है डी एस टी एम एल ये कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी होती है इसमें जैसे कि देखो डी एस टी एम एल इस डायनेमिक पेज होते हैं जैसे कि एस टी एम एल सी एस एस डॉम एंड जावा स्क्रिप्ट और जो एस टी एम एल होती है सिंपल स्टैटिक पेज होते हैं इसमें जावा स्क्रिप्ट और स्टाइल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अब देखो एस टी एम एल डज नॉट इंक्लूड सर्वर साइड कोड इसमें सर्वर साइड कोड नहीं होते हैं डी एस टी एम एल जो होता है इसमें सर्वर साइड कोड होते हैं और देखो जैसे ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं होती एस टी डी एस टी एम में डेटा बेस की कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपकी एस टी एम एल वर्सेज डी एस टी एम एल की मैंने कुछ लिख दिया प्लस पॉइंट ये बोनस आप लोग अपने लिए समझ सकते हो ताकि ये सारी चीज़ें आपको पता हो ओके एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक देखी और ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो